नमस्कार, मैं गहना वशिष्ठ। आप सभी लोगों ने लगातार सुना है कि एल्विश यादव के घर पर स्नेक का वेनम मिला है एंड ही इज रोमिंग हियर एंड देयर। क्या वो शाहरुख खान के बेटे से बड़ा है? क्या उसके लिए हमारे संविधान के नियम अलग हैं? क्या उसके लिए डेमोक्रेसी यानी कि आज़ादी कुछ ज़्यादा है, या हमारे देश के कानून उसके लिए पूरी तरह से बदल गए हैं? इतना बड़ा, इतना संजीदा मैटर है और राजस्थान पुलिस ने उसे आसानी से जाने दिया। ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है। एनडीपीएस एक्ट की जो चार्जशीट होती है वो भी 90 दिन में फाइल नहीं होती, वो भी लेट फाइल होती है, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है ये। मैटर एक सोसाइटी के लिए थ्रेट है। ये लोग सोसाइटी के लिए अपने आप एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नशा जिस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, नशे में पता नहीं चलता कौन सा किसकी फैमिली का कौन सा मेंबर कब आ जाए। तो इतने बड़े सीरियस मैटर के बावजूद एल्विश यादव के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों उसे ऐसे खुले में छोड़ दिया गया है? मैं विनती करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज सर, आप इस मैटर को देखें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर और इस पे चीज़ें होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। और मैं भारत की एक सिटीजनशिप होल्ड करती हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हक है इस बात का पूछने का, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बताइए सर, वो कहाँ है और वो इतना फ्रीली क्यों घूम रहा है? थैंक यू।